फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको करंट अफेयर जो है का प्रैक्टिस पार्ट जो है वन करवा रहे हैं। ये जो है VVI करंट अफेयर है फ्रेंड्स, जो कि सितंबर तक का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो आप लोग को प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये सारे एग्ज़ाम में जो है आने की संभावना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी छात्र जो है, अगर BSSC इंटर लेवल मेंस एग्ज़ाम का जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर ये बताना था कि जो है प्रभात खबर के माध्यम से ये निकल के जो है अपडेट जो है आई हुई थी। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो है हम प्रैक्टिस एट प्रीवियस ईयर का करवा रहे हैं। ये पार्ट फोर, पार्ट सिक्स तक जो है हम करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जो भी छात्र इस आवेदन को भरे थे वो जो है आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज जो है ये हमारा जो है आज का टॉपिक है पार्ट वन करंट अफेयर्स का, है ना। जो भी केंद्रीय मंत्री परिषद, भारत सरकार और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कौन हैं, ये जो है हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं कैमा राष्ट्रपति हैं, तो ये जो है 14वां राष्ट्रपति है। यही जो है, ये सब जो है बेसिक जो है कंफर्म जो है इसको रखना है, इस प्रश्न को ये सब, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में जो है कुछ प्रश्न के कारण हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, छोटे प्रश्न के कारण ही। तो ये जो है सारा जो है आपको याद करते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति के जो है 356 अनुच्छेद 356 क्या हो सकता है, तो ये जो है राष्ट्रपति शासन इसमें लगता है, और 351 में जो है आपातकाल लगता है ना। तो ये भी बातें याद रखना है। और जो है इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता है कि मुख्य न्यायाधीश करता है इसकी नियुक्ति। और राष्ट्रपति जो है क्या होता है कि सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च सेना कमांडर होता है, है ना, सेना अधिकारी का सबसे बड़ा मुख्य होते हैं। तो ये सब बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि वेंकैया नायडू, तो वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति है, 13वें उपराष्ट्रपति है। और बात कर ले तो ये राज्यसभा का जो है सभापति होते हैं, ये भी बात याद रखना है। नेक्स्ट है कि श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी, ये जो है 15वां जो है प्रधानमंत्री हैं, बने हैं। और ये जो है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री होता है। बात कर लेते हैं इन्हीं का, तो ये जो अभी परमाणु ऊर्जा जो है विभाग में भी मंत्री भी हैं, और इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग मंत्री भी ये हैं। इसके अलावा जो है लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी जो है ये हैं। और बात कर ले तो नीति आयोग के मामले में, और सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है, तो योजना आयोग का, परमाणु ऊर्जा आयोग का, अंतरिक्ष विभाग का, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय कर्मी की, ये सब का जो है मंत्री कौन होता है, तो प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो याद रखना है। राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं, तो ये जो है रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमित शाह की बात कर लेते हैं, तो ये जो है गृह मंत्री हैं। बात कर ले अगर नितिन गडकरी के, तो ये जो है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय में मंत्री हैं। और इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य एवं उद्गम मंत्रालय भी ये हैं, सूक्ष्म लघु मंत्री और मध्य उद्गम मंत्रालय भी जो है नितिन गडकरी जी को दिया गया है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं श्री DV सदानंद गौड़ के, तो ये जो है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो ये सब बातें याद रखना है। और बात कर लेते हैं श्री निर्मला सीतारमण के, ये जो है वित्त मंत्री हैं। तो ये किस मामले में वित्त मंत्री है, तो कारपोरेट मामले में मंत्री हैं, ये मंत्रालय कारपोरेट मंत्रालय में, है ना, ये जो है वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है बात कर लेते हैं
श्री रामविलास पासवान के, तो अब वो नहीं रहे हैं स्वर्गीय, तो इन्हें जो है अभी देखना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं श्री, ये इनका जो है देहांत हो चुका है ना, तो ये जो है अभी जैसे बनेंगे कोई भी जिनको पदभार दिया जाएगा तो हम बताएंगे। श्री नरेंद्र सिंह तामोर, अगर अभी परीक्षा में आता है तो इसी को लगाना है, लेकिन अभी भी जैसे अब कोई नया बनेगा तो बताएंगे। श्री नरेंद्र सिंह तामोर ये जो है कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, ये बातें याद रखना है। और इसके अलावा जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय भी यही देखते हैं, ग्रामीण विकास। इसके अलावा अगर बात कर दें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो ये भी जो है यही है, तो ये बातें याद रखना है। श्री रविशंकर प्रसाद के बात कर लेते हैं, तो ये जो है कानून और न्याय मंत्रालय में मंत्री हैं। इसके अलावा अगर संचार मंत्री भी कह दें, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी कह दें, और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी कह दें, तो ये जो है रविशंकर प्रसाद को दिया जाता है। श्री थावर चंद्र गहलोत जी की बात कर लेते हैं, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और सशक्तिकरण मंत्री भी मंत्रालय में, सशक्तिकरण मंत्रालय ये जो है सशक्तिकरण मंत्रालय के मंत्री हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगर बात कर लेते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद की, तो ये जो है विदेश मंत्रालय हैं। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ठीक है। और अगर बात कर ले श्री अर्जुन मुंडा की, तो ये जनजाति मामलों में भी मंत्री रह चुके हैं, अभी प्रेजेंट में जनजाति मामलों में मंत्री हैं, ठीक है। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ये जो है जनजातीय मंत्री हैं कैबिनेट में। श्रीमती स्मृता जुबिन ईरानी की बात करें, तो बाल विकास एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री हैं। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हैं ये मंत्री हैं। नेक्स्ट है श्री प्रकाश जावेदकर की बात कर ले, तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री श्री प्रकाश जावेदकर जी हैं। बात कर लेते हैं पीयूष गोयल की, तो ये जो है रेल मंत्रालय हैं, ये सभी जानते हैं। अगर बात कर लेते हैं धर्मेंद्र प्रधान की, तो ये जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री मंत्रालय में मंत्री हैं। श्री मुख्तार अब्बास नकवी की बात कर लेते हैं, तो ये जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मंत्री हैं। श्री प्रहलाद जोशी की बात कर ले, तो संसदीय कार्य मंत्रालय में ये मंत्री हैं। और अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर बात कर लेते हैं मुख्तार, इसके अलावा कोयला एवं खान मंत्री भी याद रखना है कि कौन है, प्रहलाद जोशी हैं, कोयला और खान मंत्री भी। श्री महेंद्र नाथ पांडे की बात कर लेते हैं, तो ये जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में मंत्री हैं। श्री प्रकाश जावेदकर की बात कर लेते हैं, तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में जो है ये प्रभार लिए हुए हैं। गिरिराज सिंह की बात कर लेते हैं, तो पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग के मंत्रालय में ये मंत्री हैं। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लेते हैं, तो ये जल मंत्री हैं। और भी बात कर लेते फ्रेंड्स, श्री संतोष गंगवार की बात कर लें, तो ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में मंत्री हैं। श्री इंद्रजीत राव की बात कर ले, तो ये सांख्यिकी कार्यक्रम कार्य मंत्रालय में मंत्री हैं। और हमारा लास्ट है कि श्री पद यूसु नाई की बात कर ले, तो ये रक्षा मंत्रालय में मंत्री हैं। ये जो है आपको एक एक करके को सभी को रट जाना है फ्रेंड्स, ताकि जो है एग्ज़ाम में करंट अफेयर आपका मजबूत हो जाए। और रिक्वायरमेंट जो है जैसे ही निकलता है बिहार से, सॉरी फ्रेंड, जैसे ही बिहार से निकलता है तो आप लोग से जो है शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स, जो भी बिहार से रिक्वायरमेंट निकलता है, है ना, और आप लोग को अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट पाने के लिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रिक्वायरमेंट के साथ फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।